हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट एंड सैंड क्वांटिटी फॉर प्लास्टर वर्क। हम मानते हैं एरिया है 100 मीटर स्क्वायर और हमने रेशियो यूज किया है इसमें 1:6, 1 सीमेंट 6 सैंड। थिकनेस है 12 mm, इसे हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है 0.012 मीटर। हमारा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोर्टार रिक्वायर इक्वल टू प्लास्टर एरिया इनटू थिकनेस। प्लास्टर एरिया हमारा 100, थिकनेस है 0.012, इसे हम इनटू करते हैं तो हमारा वेट वॉल्यूम निकलता है 1.2 मीटर क्यूब। अब हम निकालते हैं ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम इक्वल टू वेट वॉल्यूम इनटू 1.54। यहाँ 1.54 हम मानते हैं कि ये वेस्ट होने वाला है या फिर पानी मिलाने पे ये इतना इंक्रीज होगा। यहाँ पे आप 1.51 या 1.52 या 1.53 भी यूज कर सकते हैं और 1.33 या 1.32 1.31 भी यूज कर सकते हो। तो आपको जितने परसेंट वेस्ट हो रहा है या इंक्रीज होगा पानी मिलाने पे, उस हिसाब से आपको इनको इस्तेमाल करना है। तो हमारा है ड्राई वॉल्यूम इक्वल टू 1.2 इंटू 1.54, तो हमारा आता है 1.86 मीटर क्यूब। सीमेंट रिक्वायर इक्वल टू ड्राई वॉल्यूम इंटू सीमेंट रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो। ड्राई वॉल्यूम है हमारा 1.86 इंटू सीमेंट रेशियो 1 बाय सम ऑफ रेशियो 1+6, जो हम रेशियो यूज कर रहे हैं। इसे हम सॉल्व करते हैं तो सीमेंट रिक्वायर आता है 0.26571 मीटर क्यूब। अब हम जानते हैं डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 केजी पर मीटर क्यूब। वेट ऑफ सीमेंट निकालते हैं। अब हम वेट ऑफ सीमेंट इक्वल टू सीमेंट रिक्वायर इनटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट। सीमेंट रिक्वायर 0.265 इनटू 1440, इसे हम सॉल्व करते हैं तो सीमेंट का वेट आता है 381.6। अब हम जानते हैं कि एक बैग में 50 केजी सीमेंट होता है, तो हम नंबर ऑफ बैग सीमेंट इक्वल टू 381.6 बाय 50। हमारा 7.6 बैग आता है, इसे हम अज्यूम इक्वल टू मानते हैं 8 बैग के। अब हम निकालेंगे सैंड रिक्वायर। सैंड रिक्वायर इक्वल टू ड्राई वॉल्यूम इनटू सैंड रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो। ड्राई वॉल्यूम 1.86 इनटू 6 बाय 7। यहाँ सैंड रेशियो, अगर यहाँ हमारा हमने रेशियो 1:8 का यूज किया होता तो सैंड रेशियो यहाँ 6 की जगह 8 आता और नीचे 9 हो जाता सम ऑफ रेशियो 1+8। ऐसे ही अगर हम 1:4 का यूज करते तो सैंड यहाँ 4 आता, नीचे 1+4 5 हो जाता। तो इस तरीके से आप सैंड रेशियो और सम ऑफ रेशियो निकाल सकते हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 1.59 मीटर क्यूब सैंड हमें लगेगा।